promised you that in the next video we will discuss about the examples related to the topic coding and decoding. So here we are. Now we will start with the examples. So example number one is, if in a certain code eraser is written as like this, then how will rubber be written in the same code? Okay. So our question is, it is given to us that eraser. Yes. So, क्या दिया है यहाँ पर? If bag is coded as X Y Z and leaf is coded as P Q Y R, then how flag is written in that code? अब देखिए सबसे पहले आप ये देखेंगे bag. तो bag के लिए जो code दिया है that is X Y and Z. In the same language leaf. So leaf के लिए क्या code आपको दिया गया है? Leaf is coded as P Q Y R. P Y, R in this language. Okay? So, what we have to do? We have to write the code for flag. Okay? So, see now. Bag. B ke base par humne kya use kiya? X. A ke base par Y. And G ke base par hum log Z use kare. But agar hum dekhe, koi relation banta nahi hai. Koi link nahi ban raha hai. Isi tarah se yahan par hum jo alag alag use kare. But agar hum flag word ko dekhe, यहाँ पर हम A
correct answer. Okay, so in this way you have to do. Now we will move on to example number third. Example number third is this one. Okay. Yes. So question को देखते ही हमें क्या समझ आ रहा है? कौन सी type की body नहीं है? It is number and symbol word. Okay. So अब इसके अंदर Tamil is coded as जो words हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं. Coding किस किस की हुई है? Tamil की and line. So line की coding किस तरह से हुई है? वो हम यहाँ पर लिखते हैं. What we have to do then? How is animal coded? We have to find out the code for animal. Okay, so Tamil is coded as 7 star 3 feet symbols. 7 star, then 3, then greater than symbol. Okay, and then in place of L, hash is used. In the same way, lion is coded as hash. Okay, in place of I, again same symbol is used. Okay, place for 5 or less. तो ये सिंबल्स यहाँ पर यूज हुए. अब एनिमल जो है अगेन तमिल और लाइन के जो लेटर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बना है. सो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली ए के प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे? स्टार देन एन, एन यहाँ आ रहा है हमारा सिंबल रहेगा लेस देन, देन आई, आई की जगह पर ग्रेटर देन यूज हो रहा है. दोनों ही क्वेश्चन आंसर है अकॉर्डिंग्स के अंदर. देन वी हैव एम, एम के प्लेस पर है हमारे पास में 3, देन अगेन ए इज बीइंग रिपीटेड टू अगेन वी विल रिपीट आवर कोड स्टार एंड देन एल. एल की जगह पर क्या यूज हो रहा है? हैश. दोनों ही वर्ड्स होते हैं, अभी अगर तमिल में भी लॉइन में दोनों में ही हैश यूज है. सो हमारा कोड क्या बन रहा है? स्टार देन ग्रेटर देन लेस देन 3 स्टार एंड देन हैश. सो मींस ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर. ओके, इस तरह से आपने अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करना है. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4. सो अब एग्जाम्पल नंबर 4 को अगर हम देखते हैं, सी दिस इज योर क्वेश्चन. अब यहां पर हमें करना क्या है? इफ प्लेट इज कोडेड एज दिस एंड केक इज कोडेड एज 1725 देन हाउ इज प्लेस कोडेड. अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ नंबर कोडिंग हुई है, सिंबल्स यूज नहीं हुए. तो प्लेट एंड केक सबसे पहले हम उनको लिखेंगे जिनकी कोडिंग हमें गिवन है. आंसर क्या है क्वेश्चन के अंदर? प्लेट एंड केक. कोडिंग करनी किसकी है? प्लेट्स की. राइट दैट आल्सो प्लेट्स. ओके, अब देखिए प्लेट की जगह पर क्या यूज हो रहा है? 9 8 7 6 5 9 8 7 6 एंड देन 5. और केक के प्लेस पर हम क्या यूज कर रहे हैं? 1 7 2 एंड 5. ओके, सो अब हमें प्लेस का कोड बनाना है. तो अगेन प्लेस जो है प्लेट और केक लेटर्स को ले करके वर्ड बनाया गया. फटाफट से स्टार्ट करते हैं. पी के प्लेस पर हम क्या करेंगे? एन, देन एल के प्लेस पर हम 8, देन ए के प्लेस पर हम करेंगे 7. तो ये तो सेम है, पी एल ए एंड पी एल ए, इसलिए मॉड भी सेम रहेगा 9 8 7. अब आ रहा है सी. तो सी है हमारा यहाँ पर, सी के लिए हम यूज कर रहे हैं 1 एंड देन ई है. ई के लिए दोनों की जगह पर 5 यूज कर रहे हैं, तो वी विल आल्सो यूज 5. तो हमारा कोड क्या बनता है? 9 8 7 1 5. ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, 9 8 7 1 5. तो इन दिस वे यू हैव टू कोड. सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी व्हिच इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड 4 एग्जांपल्स नाउ इन दिस वीडियो एंड यू हैव टू कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक एंड आई विल सेंड यू द पिक्चर्स आल्सो. टेक केयर एवरीवन, होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक and you will do it nicely.